इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं HDFC बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को। जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट फीचर मिलता है, क्या फी एंड चार्ज है, एंड साथ ही बताऊंगा इस क्रेडिट कार्ड के क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। एंड वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इस क्रेडिट कार्ड को कैसे आप लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बेनिफिट फीचर के बारे में। सबसे पहले बता दूं, ये जो क्रेडिट कार्ड है HDFC का सबसे अच्छा कार्ड है जिसमें आपको फ्यूल से रिलेटेड आपको बेस्ट बेनिफिट मिलता है। बैंक दावा करती है कि आपको ईयरली बेसिस पे क्या है कि 50 लीटर तक का आपको फ्यूल फ्री में मिल जाता है, लेकिन कैसे मिलता है उसकी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप इंडियन ऑयल के आउटलेट पे जाकर फ्यूल बाई करते हो तो बैंक के साइड से आपको 5% फ्यूल पॉइंट्स मिलता है, लेकिन इसमें भी बैंक के साइड से कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन ये है कि जब आपको कार्ड मिला तो फर्स्ट 6 मंथ तक आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूल पॉइंट अर्न कर सकोगे वो 1 महीने में 250 फ्यूल पॉइंट्स अर्न कर सकोगे, एंड आफ्टर 6 मंथ बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो आप फ्यूल पॉइंट अर्न कर सकोगे 1 महीने में वो 150 फ्यूल पॉइंट्स ही अर्न कर सकोगे। तो यह एक कंडीशन है जो कि कंडीशन इस क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट्स है। बाकी बात करूँ इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप अदर जगह पे स्पेंड करते हो लाइक ग्रोसरीज पे, बिल पेमेंट पे, तो आपको क्या है कि वहाँ पे भी आपको 5% फ्यूल पॉइंट्स मिलता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि इस कैटेगोरी में, यानी कि वो तो कैटेगोरी अलग है फ्यूल वाला कैटेगोरी, अगर इस कैटेगोरी जैसे कि अगर आप ग्रोसरीज या बिल पेमेंट पे स्पेंड करते तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो 1 महीने में फ्यूल पॉइंट्स ले सकोगे वो 100 फ्यूल पॉइंट्स ही ले सकोगे। यहाँ पे अदर कोई भी कंडीशन नहीं है आफ्टर 6 मंथ या बिफोर 6 मंथ का। बाकी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 150 रुपीज़ का स्पेंड आप कहीं पे भी करोगे तो बैंक के साइड से आपको 1 फ्यूल पॉइंट्स मिलेगा। बाकी सरचार्ज वेवर की बात करूँ तो 1% का आपको सरचार्ज वेवर मिलेगा आप किसी भी फ्यूल आउटलेट पर फ्यूल बाई करते हैं तो, लेकिन ट्रांजेक्शन वही होनी चाहिए कि मिनिमम ट्रांजेक्शन आपकी 400 रुपीज़ की होनी चाहिए और महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो ले सकोगे वो 250 रुपीज़ तक का ही कैशबैक ले सकोगे। एंड माइलस्टोन बेनिफिट की बात करूँ तो अगर आपको ये कार्ड चार्जेबल बेसिस पे मिला है तो फर्स्ट 90 डेज के अंदर में अगर आपने 20,000 रुपीज़ का स्पेंड कर देते हो तो कार्ड का जो फर्स्ट ईयर का फी है वो आपका वेवर हो जाएगा। दैट मीन्स कि कार्ड फर्स्ट ईयर के लिए आपके फ्री हो जाएगी। और अगर आप ये क्रेडिट कार्ड चार्जेबल बेसिस पे यूज कर रहे हो तो इसके जो एनुअली फी है इसको वेवर करने के लिए पर एनम अगर आप 50,000 रुपीज़ का स्पेंड करते हैं तो आपका एनुअली चार्जेस नहीं लगेगा। बात करूँ जो भी आप फ्यूल पॉइंट्स अर्न करोगे उसको कहाँ पे रिडीम करोगे, तो क्या वैल्यू रहेगी, कब तक ये वैलिड होगा, कब एक्सपायर हो जाएगा उसके बारे में, अगर आप इंडियन ऑयल के एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के तहत अगर आप इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करोगे तो एक फ्यूल पॉइंट्स की जो वैल्यू मिलेगी वो 96 पैसे की मिलेगी। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू, जो HDFC का नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप इस फ्यूल पॉइंट्स को रिडीम करते हो तो आपको मात्र 20 पैसे की ही वैल्यू मिलेगी। ये जो फ्यूल पॉइंट्स जो भी आप अर्न करोगे वो ओनली 1-2 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, आफ्टर 2 ईयर आपका ये फ्यूल पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि आप 2 ईयर में रिडीम नहीं करोगे तो आपका फ्यूल पॉइंट्स गायब हो जाएगा। बाकी बात करूँ इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस के बारे में तो एक्चुअली ये जो क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग एंड एनुअली फी होती है वो 500 प्लस GST होती है। एंड फाइनेंशियल चार्ज की बात करूँ तो 3.6% पर मंथ एंड एनुअली बेसिस पे 43.2% पर मंथ आपका हो जाता है। लेट पेमेंट की बात करूँ तो वही है सेम, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो या यूज करना चाहते हो तो। अब हम आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाले हैं कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो तो कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हो। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। और अब बताते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री यूज करने के लिए, जैसे आपके पास कार्ड मिल जाता है आप कार्ड एक्टिवेट कर लेते हो, फर्स्ट 90 डेज के अंदर में 30,000 रुपीज़ का यूज कर लेना, कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। दूसरा कंडीशन आपका ये रहेगा कि आप चाहे तो ऑटो डेबिट सेट कर सकते हो जो यूटिलिटी बिल पेमेंट की, मोबाइल रिचार्ज पेमेंट करने की, स्मार्ट बाइक का यूज करके, तो वहाँ से भी आपका ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। लेकिन सबसे सिंपल है कि जैसे कार्ड मिला 90 डेज के अंदर में 30,000 रुपीज़ का यूज कर लो, कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। तो ये तो रही इस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट फीचर, फी एंड चार्जेज एंड कैसे आप लाइफ टाइम फ्री का यूज कर सकते हो। इस क्रेडिट कार्ड के प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट्स की बात करूँ तो प्लस पॉइंट्स ये है कि इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 5% का फ्यूल पॉइंट्स मिलता है अगर आप इंडियन ऑयल के आउटलेट पे बाई करते हैं तो। लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कंडीशन है, तो
इसके निगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। निगेटिव पॉइंट्स ये है कि जो आप यूज करते हो इस क्रेडिट कार्ड को, जो भी आपको यूटिलाइजेशन पे जो फ्यूल पॉइंट्स मिल रहे हैं उसमें लिमिट लगा हुआ है, तो यह एक निगेटिव पॉइंट्स है। दूसरा निगेटिव पॉइंट्स इसका ये है कि जो भी आप फ्यूल पॉइंट्स अर्न कर रहे हो वो एक लिमिटेड टाइम तक ही वैलिड है, उसके बाद एक्सपायर हो जा रहे हैं, और इस क्रेडिट कार्ड में कोई भी आपको लाउंजेस एक्सेस देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो रही इसके प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट। तो आपके अनुकूल इस क्रेडिट कार्ड को क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर उस कमेंट पर रिप्लाई दूंगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।